हेलो एवरीवन, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आप सब भी ठीक ठाक होंगे। तो आज कनागत है, उसी की तैयारी है। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, उनको मैंने ब्रेड सेक के दे दिए थे, क्योंकि आज एक बारी रोटी बनाऊंगी, एक बारी खाना बनेगा। श्राद्ध का वैसे जल्दी बना लेते हैं और जल्दी पूज हथकार निकालनी होती है, तो इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी लग गई हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने किचन साफ़ कर लिया था, गैस चूल्हा और सारा किचन अच्छे से साफ़ करके तभी मैंने यहाँ पर रखा है खाना बनने के लिए। नहा के भी आ चुकी हूँ, तो अभी मैं यहाँ पे दोनों चीज़ देख रही हूँ। इधर खीर रखी हुई है और इधर खीर बनने वाली है। बस ये गोला कस के मैंने इसमें डाल दिया। इधर मैंने आलू छोंक दिया है जीरे में। सबसे पहले मैंने आलू बॉईल कर लिए थे और चावल भी बॉईल कर लिए थे, उसके बाद मैंने खीर बनने के लिए रख दी। खीर भी थोड़ी देर में बन जाएगी और वो भी मैंने छोंक दिए हैं। आलू भी बन जाएंगे और पराठे बनाने हैं, क्योंकि रोटी हथकार निकालने के बाद पंडित जी के यहाँ जाएगी। कान्हा जी के लिए भी मैंने यहाँ पे निकाल दिया है खाना। पहले कान्हा जी को भोग लगा देती हूँ, पराठा खीर आलू। तो पहले कान्हा जी को भोग लगा देंगे और हथकार भी निकाल देंगे। पापा जी नहाने के लिए गए हुए हैं अभी, तो अभी मैं तब तक कान्हा जी को भोग लगा देती हूँ और ये मैंने हथकार की भी निकाल ली है। हथकार निकालने के बाद फिर पापा जी पंडित जी के यहाँ दे के आ जाएंगे खाना। और अभी मैं यहीं पर, कान्हा जी बैठे हुए हैं, थाली मैंने यहीं पर रख दी थी। कान्हा जी को भोग लगा देंगे साथ के साथ और हथकार भी निकल जाएगी। पानी लेके आई हूँ, तो अभी पानी तो ये सूर्य देव को दिया जाएगा हथकार निकाल के। हथकार निकालने के बाद कपड़े धुले हैं ये सारे, अभी इनको फैला दूंगी। हे गाइस, कैसे हो आप सब? आप सब भी ठीक ठाक होंगे, हम भी ठीक हैं। शाम हो चुकी है, शाम के बज रहे हैं 5। अभी खाने की तैयारी चल रही है, देखते हैं क्या बनेगा। इस टाइम आके दिमाग ख़राब हो जाता है खाने का नाम लेके, क्योंकि सूझता ही नहीं कुछ बनाने के लिए। गाँव में सब्जी वाले भी इतने कम आते हैं, पता नहीं क्या। बहुत बार तो ऐसा होता है कि सुबह से सब्जी वाले बहुत सारे आ जाते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि एक भी नहीं आता। तो अभी मैं, काफ़ी दिन हो गए मिर्च प्याज बनाने का सोच रही हूँ। मोनिका के लिए बनेगा घिया और अभी अपने लिए बना लेंगे मिर्च प्याज। बर्तन भी पड़े हुए हैं, बर्तन तो सारा दिन ख़त्म ही नहीं होते। हाथ मेरे ये नखून गलने लगे हैं पानी के काम से ज़्यादा, एक सरफ साबुन के काम से हो रहे हैं। देखती हूँ इनकी दवाई लानी पड़ेगी, नहीं तो ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी हाथों की। और वैसे भी अब शादी भी आ रही है, तो थोड़ी सी केयर भी करनी पड़ेगी। काम तो है ही काम के बीच में, थोड़ी सी अपनी भी देखभाल करनी पड़ेगी। मैं करती ही नहीं कुछ भी, कुछ काम में वही नहीं होता कुछ कर लूँ। काम में सारा दिन बस व्यस्त रहती हूँ। और अब छोटा दिन भी होने लगा है, बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, तो और भी काम बढ़ गए। तो चलिए अभी मैं मिर्च प्याज काट लूँ। इधर बार बार आ रहे हैं, कपड़े और ले जाएंगे उतार के। और कपड़े मैंने उतार दिए जो सूख चुके हैं, उनकी तैयार कर देगी। इसमें लगा रखाएगा क्या? मिर्च का फोटो हुआ हल्ला लोग देखे थे आज, कैसे बोल बिल्कुल देखियो रहा देखो देखो सब छोटा सा ये बस छोटा सा ये देखो। ये वीडियो मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग से शुरू किया है, क्योंकि एक दिन ना बीच में वीडियो नहीं गई थी मेरी, इसी वजह से ये ना थोड़ी सी क्लिप इधर उधर हो गई है दो दिन की, क्योंकि उस दिन मैंने अपलोड पे लगा रखी थी, उस दिन मेरी वीडियो नहीं जा पाई। अगले दिन फिर सुबह में गई थी, इसी वजह से थोड़ी सा मिस्टेक हो चुकी है वीडियो में, वो हो गई है क्लिप। कुछ कल सुबह की है, कुछ परसों सुबह की है। तो बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ नूडल्स, स्कूल लेके जाएंगे। और दिन आज शनिवार है। नूडल्स उबाल के मैंने छन्नी में कर लिए हैं, उनको ठंडा करने के लिए पानी चला दिया था उन पे, तो वो ठंडे हो चुके हैं। और अभी मैं उनको फ्राई करने की तैयारी कर रही हूँ। हरी मिर्च काट लिया मैंने लंबी लंबी, टमाटर और एक प्याज, तो अभी उनको फ्राई कर दूँगी ऐसे ही। इसमें थोड़ा सा रिफाइंड डाल दिया था मैंने 2 चम्मच,
और ये हो चुके हैं, ये ज़्यादा नहीं पकने देनी है सब्जी। सब्ज़ी ज़्यादा नहीं थी, बस हरी मिर्च टमाटर प्याज यही थी घर में, तो मैं इन्हीं से बना रही हूँ। अभी मैंने इसमें नूडल्स भी डाल दिए हैं, देखिए कितने अच्छे हो रहे हैं नूडल्स। मैंने आधे पहले निकाल लिए कभी, फिर ये अच्छे से फ्राई ना हो पाए, उनको इनको फ्राई करने के बाद फिर उनको डाल दूँगी। थोड़ी सी इसमें सोया सॉस भी डाल दूँगी और टमाटर सॉस है वो भी। सोया सॉस नहीं थी तो मैंने मंगवा ली, क्योंकि अब नूडल्स बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। ये तो रोज़ ही बोलते हैं पर रोज़ में भी नुकसान देते हैं। अब की बार मैंने 15-20 दिन बाद बनाए हैं, तो अभी इसी वजह से मैंने सोया सॉस भी मंगवा ली थी, इसी क्योंकि बच्चे ये सब ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, नूडल्स बर्गर। इनको पराठे का बोल दो या सब्जी रोटी का बोल दो ले जाने के लिए तो तुरंत मना कर देते हैं। और ये ऐसी ऐसी चीज़ें भी रोज़ नहीं दे सकते खाने में, क्योंकि नुकसान देती है, नुकसान करती है। पर बच्चे कहाँ मानते हैं इस बात को, वो तो अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। जो उनको पसंद आता है खाते हैं, जो नहीं आता उसको नहीं खाते। शुरुआत में तो मुझे बनाते हुए डर सा लग रहा था, पर अब तो मुझसे बहुत अच्छे से आ गए हैं बनाने। तो अभी मैंने इसमें थोड़ी सी डाल दिया सॉस, और अभी इसमें डाल दूँगी मैं सोया सॉस। ये तो मैंने टमाटर सॉस डाली है पैकेट वाली, पाउच ही मंगवाए थे क्योंकि यहाँ पे दुकान पे पाउच ही मिलते हैं। और जो हमारी टमाटर सॉस थी बोतल की, वो ख़त्म हो चुकी है। 2-3 वेजिटेबल और होती तो और भी अच्छे से बन जाती है, फिर तो चाउमीन जैसे ही बन जाती। तो चलिए, बच्चों को तो ये भी पसंद आती है, सिंपल तरीके से बनी हुई भी बहुत अच्छी लगती है, उन्हें पसंद है। सुबह का आके ना ये टेंशन हो जाती है कि आज लंच में क्या दूँ बच्चों को, क्योंकि इन्हें जल्दी से कुछ पसंद ही नहीं आता। और अभी बच्चे स्कूल जा चुके हैं, मैंने किचन का सारा काम अपना ख़त्म कर लिया था। मम्मी कर रही है यहाँ पे तैयारी खीर बनाने के लिए, मोनिका की खीर बना दिया करेंगे। अब छुआनी तो मना कर दी उसने कि अब छुआनी पीने का मन नहीं है, तो उसके लिए हम दूध की खीर बना दिया करेंगे। तो मम्मी ने मखाने भी भून लिए हैं और काजू बादाम भी भून लिए हैं। काजू बादाम भून के भी इनको मामजिस्ते में कूट के और रख लेंगे, इनको जब खीर बनाएंगे तब इनको फिर भूनना नहीं पड़ेगा, रोज़ रोज़ भून के रख देंगे टिफ़न में। और जब भी बना करेंगे खीर तभी इसमें से निकाल के डाल दिया करेंगे, तो इससे बहुत हेल्प हो जाएगी खीर बनाने में। रोज़ रोज़ ये मखाने और काजू बादाम भी नहीं भूनने पड़ेंगे, वैसे भी ये ख़राब तो होते नहीं हैं भुने हुए घी में। तो अभी मम्मी ने मखाने भी पीस लिए हैं और वो भी काजू बादाम भी पीस लिए हैं। आज मैंने भी मखाने जब हो ही गए थे तो कान्हा जी के लिए खीर बना दिया थोड़ी सी। वैसे मैं कान्हा जी को भोग लगा के आ चुकी हूँ, इसमें जो कढ़ाई में बची हुई है वही दिखा रही है, कितना अच्छा कलर आ रहा है, ऐसी लग रही है जैसे कि रसमलाई हो। अभी दोपहर का खाना बना लेते हैं, आटा थोड़ा इसीलिए है क्योंकि कुछ रखा हुआ था सुबह का, वो भी इसमें मिला लूँगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, कैसे हो आप सभी। तो अभी मोनिका का टाइम हो रहा है दूध का, दूध पिएगी और संदा खाएगी, तो मैं उसे दूध दे देती हूँ। अभी बाद में करूँगी आप सबसे बात, आके करती हूँ, पहले मैं दूध दे दूँ मोनिका को। मोनिका के लिए दूध गर्म कर रही हूँ, फ्रिज में रखा हुआ था ना, तो गर्म करना पड़ेगा। दे आते हैं उसको संदा और दूध, इस टाइम संदा और दूध ले लेती है। दोपहर को मखानों की खीर बना रहे हैं, अभी उसने मना कर दिया छुआनी को कि अब छुआनी को मन नहीं करता, तो हम इसके लिए मखाने और काजू बादाम ये सब डाल के, ड्राई फ्रूट्स डाल के खीर बना दे देते हैं, खीर बना के दे देते हैं दोपहर को। और इस टाइम दूध पी लेती है, बीच में फल फ्रूट दे देते हैं। तो बस यही चल रहा है अभी तो। और बच्चा विभू अभी सोया हुआ है, उसको भी दूध दिया है मैंने घोल के, अभी मीठा करके उसे भी दूध दिया था, गाय का दूध ही पिला रहे हैं अब तो हम उसे भी। तो अब उसकी मम्मी को देने जा रही हूँ, आप सब भी आ जाइए। फिर अभी मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी, आज मैंने चाय नहीं पी, सबको दे दी थी बना के, बस मैं ही रह गई थी। मैं भी लेके बैठी थी, फिर मेरे से अक्की कहने लगा कि मम्मी चाय का मन कर रहा है, मैंने अक्की को दे दी अपनी। तो अभी मैं अपने लिए एक कप चाय बनाऊँगी दूध दे के आने के बाद, और आप सब भी आ जाइए अगर चाय पीनी है या दूध पीना है तो आप सब भी आ जाइए। तो चलिए लेके चलते हैं कहा जाना था। हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं आप सबसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। चाय तो मेरी बनी रही है अभी, तो मैं बात करना चाहती हूँ। एक कमेंट आया है कि आपके यहाँ सब्जी खाते हैं या सूंघते हैं, तो देखिए मैं आपको पहले बता चुकी हूँ,
सब्जी यहाँ पे ज़्यादा कोई नहीं खाता, सब कम खाते हैं और सबसे ज़्यादा मैं ही खा लेती हूँ और सब कम ही खाते हैं सब्जी। अगर थोड़ी सी एक्स्ट्रा उनकी कटोरी में चली भी जाए तो वो बच के ही आती है। आप सबको मैं दिखाऊंगी किसी दिन बर्तनों में कितनी सब्जी बचती है हमारे यहाँ, उसमें से भी छोड़ देते हैं। और कल ना राजमा चावल बनाए थे और राजमा में से बच भी गए थे, शाम के टाइम खाया है मैंने और बच्चों ने, सारे चारों बच्चों ने भी राजमा ही खाया था और मैंने भी, क्योंकि शाम को बनी थी दाल और बच्चों को कई दिन हो गए थे दाल खाते खाते, तो उन्होंने भी राजमा से ही खाई और मैंने भी, उसमें से भी बच गई थी सब्जी। अब आप ही देख लीजिए कि कितनी सब्जी खाने वाले हैं हम। और कल ना पापा जी की दावत थी गांव में, वो दावत में गए थे, पापा जी ने भी नहीं खाया था खाना। और मोनिका के लिए मैंने दूसरी सब्जी बनाई थी। तो फ्रेंड्स जितना खाते हैं उतना ही बनाते हैं, वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, वो फिर धोवन में ही जाती है सब्जी। ये तो मैं हिसाब से बनाती हूँ जितना कि खा सकें, वैसे उसमें से बच जाती है, फिर भी इतना भी कम करके बना लो उसमें से बच ही जाती है। तो मैं कई बार बता चुकी हूँ, मैंने सोचा चलिए एक बार फिर से आप सबको बता देते हैं मैं क्या करूँ जब ये कम खाते हैं सब्जी, तो ज़्यादा किसके लिए बनाऊँ, आप सब आ जाया करें फिर मैं ज़्यादा ज़्यादा बनाऊँगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। जब आप सब आओगे तो फिर मैं ज़्यादा ही खाना बनाऊँगी, क्योंकि उससे फिर वेस्ट तो नहीं जाएगा कम से कम। मैं जानती हूँ बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके यहाँ सब्जी बहुत खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, पर हमारे यहाँ ना पहले से ही कम ही खाते हैं ये सब्जी। मैं भी कहती थी जब शुरू में जब मैं आई थी तब मैं भी बोलती थी कितनी कम सब्जी खाते हैं यहाँ पे, इतनी सब्जी तो हमारे वहाँ 4-5 जनों में ही बन जाती है हमारे घर में, और यहाँ पे सब इतना बड़ा परिवार है वो इतना कम खाते हैं। तो देखिए इससे मेरी कोई गलती नहीं है, आप प्लीज़ ऐसा मत सोचिए कि मैं खाना कम बनाती हूँ, सबको मिलता नहीं है, मिलता भी है बच भी जाता है बल्कि। तो अभी मैं चाय लेकर रूम में आ गई थी, फिर मेरे याद आया बेडशीट तो डाली नहीं क्योंकि आज धोई थी मैंने, दूसरी वाली डाल देती हूँ अभी। काम तो कुछ खाने के लिए भी बैठ जाओ तो अगर कुछ काम दिख जाए ना तो खाना पीना छोड़ के पहले वो काम ही करते हैं, इतनी ज़्यादा वो रहती है काम की। तो अभी मैं इस पर बेडशीट चेंज कर देती हूँ तभी पीऊँगी चाय, आप सब भी आ जाइए। आज अच्छे से, आज तो मैंने बढ़िया तरह किया है सारा कमरा साफ, क्योंकि इसमें मैं सोची थी कि जाले लगे हुए होंगे, हल्के हल्के से कोने में हो रहे थे तो वो मैंने साफ़ कर दिए। उसके बाद फिर मैंने कॉलिन से बेड भी साफ़ किया है, अच्छे से धूल सारी साफ़ की है जो भी थी। रोज़ तो मैं करती तो हूँ पर ऐसे अच्छे से तो कभी कभी टाइम मिलता है मेरा, जिस दिन मुझे ज़्यादा काम ना हो फुर्सत हो उस दिन कर लेती हूँ अच्छे से, नहीं तो ऐसे तो बस भागते भागते ही होती है। आज मैंने खूब अच्छे से की है मन लगा के। ये पर्दे मेरे अभी खिड़की वाले रह रहे हैं रूम का, जो गेट के हैं वो तो मैंने धो दिए थे, मैं सोच रही हूँ कि इनको अभी धो दूँगी नवरात्रों से पहले। काम काम में कब सुबह से शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता बिल्कुल भी कि कब टाइम बीत जाए। और अभी मैं बैठने वाली थी चाय पीने के लिए तो फिर मुझे दिखा कि बेड भी ऐसे पड़ा हुआ है, अभी तो इसको भूल गई थी मैं बेडशीट को डालना, निकाल तो ली थी मैंने बेड में से और फिर मैं इसको यहीं पे रख के चली गई किचन में, क्योंकि बहुत सारा काम हो गया। मोनिका को दूध दे के आई और विभू भी रो रहा था उसे भी दूध दिया, उसके बाद फिर अपने लिए चाय बनाई, तब मैं यहाँ पे आई रूम में तभी मुझे दिखा कि हाँ अभी तो ये काम रह रहा है मेरा। तो चलिए बेडशीट भी डाल दी है, अभी पी लेते हैं चाय। चाय भी ठंडी हो गई होगी क्योंकि पंखा चल रहा है, ठंडी चाय मुझे वैसे भी अच्छी नहीं लगती पर अब तो ठंडी हो या गर्म हो उसे ही पी लूँगी, क्योंकि काम का फिर टाइम हो रहा है, शाम का खाना बनेगा। जल्दी लग जाती हूँ फिर भी वही टाइम हो जाता है क्योंकि बहुत सारे काम फैल जाते हैं इस टाइम, दूध का सब्ज़ी का। मुझे चाय पी ली है फ्रेंड्स, थोड़ी बनी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, अगर आप सबको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, मुझे कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। एक छोटा सा मेहमान और आने वाला है हमारी गौ माता के।